अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मौलाना जी के YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए अपने शोहर को सौतन से दूर करने का वजीफा लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो उन औरतों के लिए है, उन बेगम के लिए है जो अपने शोहर को अपनी सौतन से दूर भगाना चाहती हैं और अपने रिश्ते में मिठास लाना चाहती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी आने वाली और भी ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वजीफे के बारे में। अगर आपके शोहर आपको समय नहीं देते और आपको ऐसा शक है कि उनका चक्कर बाहर किसी दूसरी औरत से चल रहा है जिस वजह से आपके और आपके रिश्ते में, आपके शोहर के रिश्ते में तलाक जैसी बातें हो रही हैं, तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इस अजान से वजीफे को पढ़ें और अपने शोहर को सौतन से दूर करने में कामयाब साबित हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने हथेली में अपने शोहर का रुमाल रखना है। जी हाँ दोस्तों, अपने शोहर का रुमाल रखें और उसके ऊपर आपको कुछ चावल के दाने रख लेने हैं। उस रुमाल को मुट्ठी में बंद करना है दोस्तों और आपको पढ़ना है अल हदीशीन अल रहमान रहीम वशदा रहवूर रहमान रहीम हुआ लाहौल असलामत सकीले फ़कर रहनुमान रहीम। आपको यह 33 मरतबा पढ़ना है और फिर उस रुमाल पे दम करते हुए आपने दोस्तों वह चावल अपने शोहर को बनाकर खिला देने हैं। ऐसा करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपके शोहर का दिमाग खुद ब खुद उस सौतन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। और उस सौतन से दूर करने का यह वजीफ़ा आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हमारे मौलाना जी ने आपको बताया है। दोस्तों यदि आप इसको करने में असमर्थ हैं या फिर आपके मंशानुसार काम नहीं होता तो बिना देर किए हमारे मौलाना जी से आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जान सकती हैं। शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़।